अभी मैं यहीं पर हूँ, बट ना मैं आपको एक जाहिर सूचना देना चाहता हूँ, मतलब कि वो क्या बोलते हैं उसमें, अरे प्यार में कितनी ताकत होती है। जय श्री राम, जय श्री राम। वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग वीडियो। गौरी जा रही है स्कूल, बाय बाय। और गणेश एकदम फ्रेश होके मस्त से खेल रहे, और मैं कर रहा हूँ थंबनेल एडिट। सो के उठा, अभी हुआ 15-20 मिनट, अभी सो के उठा 15-20 मिनट हुआ। और आज भी कहीं घूमने फिरने नहीं जाने वाला, मतलब नॉर्मल डे रहने वाला है। देखो स्पाइडरमैन। तो चलो अभी ब्लॉग वीडियो शुरू करता हूँ आज के दिन का। बाय गौरी, बाय बाय बाय। Many minutes later. तो अभी बज चुके फिलहाल 3, और मैं अभी तक कुछ भी नहीं किया हूँ। देखो टाइम हो रहा है 2:45, अब मैं जा रहा हूँ, फ्रेश होऊंगा, नहाऊंगा धोऊंगा खाऊंगा पीऊंगा, और फिर चला जाऊंगा, मतलब निकल जाऊंगा कहीं तो जाऊंगा, शांति से आराम से बैठूंगा। और वो शायद मेरा फ्रेंड भी आएगा मुझसे मिलने, मतलब जो कल मेरे साथ में था वो मेरे साथ रहेगा, तो उसके साथ ही बैठूंगा मैं। तो अभी मैं जा रहा हूँ फ्रेश होने, तो खाते के निकलूँगा। A few moments later. तो बज गए हैं 3, और मैं घर से निकल चुका हूँ, जस्ट खाना पीना खा के मस्त से नहा के अब जा रहा हूँ दोस्त के साथ बैठूंगा भाई आराम से, रात के 8 लगभग 9 बजे तक का, फिर उसके बाद घर आऊँगा। बाकी मेरे साथ क्या चल रहा है मेरी लाइफ में मुझे कुछ नहीं पता। मैं सो के उठता हूँ 11 बजे, फिर टाइम पास करते 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 मैं कहीं जाके 1 बजे के लगभग सुबह का, मतलब उस टाइम पे खाना खाना होता है लगभग 1:30 बजे, और मैं तब नाश्ता करता हूँ, और फिर पूरा दिन ऐसे निकल जाता है। फिर शाम में अगर मैं कुछ बाहर खाया तो खाया, नहीं तो फिर पानी पीकर बस ऐसे ही, फिर रात में खाना खाता हूँ। तो ये ऐसा मेरा चल रहा है, और दिन में लगभग कम से कम नहीं ज़्यादा तो 3 बार तो खाना ही चाहिए। खाना सुबह 1 बार नाश्ता कर लो, और दिन में 3 बार खाना खा लो, तो थोड़ा हेल्थ सही रहेगा। मैं क्या कर रहा हूँ हेल्थ के साथ में, और मेंटल मतलब क्या हो रहा है मेरे साथ, कुछ नहीं समझ में आ रहा है। तो मैं कुछ काफ़ी कुछ सोचूंगा अपने बारे में कि मैं बदलाव करूँ, चेंजेस करना पड़ेगा, नहीं तो फिर ज़्यादा टाइम में चलेगा ही नहीं। तो गाइस अभी मैं पहुंच चुका हूँ तालाब पे, और मेरे साथ मेरा दोस्त है, दिखाऊ नहीं बोलते हैं अभी मत भी, अभी नहीं। तो मैं उसके साथ ही आया हूँ, और यहाँ पे बैठ देखने लूँगा, 4-5 वीडियो ले उसके बाद मिलेगा ना, उसके बाद जलवा रहेगा, जलवा रहेगा भाई का जलवा। तो क्या बोल रहा था, हाँ यहाँ बैठे बैठे ना मैं थोड़ी सी मन की बात करूँगा आप लोगों से। नहीं अभी अभी बहुत कम लोग समझे होंगे यार। तो यार मेरे दिमाग में बस वही एक बात घूम रही है कल रात वाली, मैं उसको लेके इतना ज़्यादा सोच रहा हूँ कि मैं क्या बोलूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सोया सो के उठ रहा हूँ तो वही सोच रहा हूँ, सोया तो सोच रहा हूँ, कुछ भी दिमाग में चल रहा नहीं है। और उससे मेरा कुछ फ़ायदा है नुकसान है, कुछ नुकसान तो बहुत कुछ है, सोचूंगा तो ज़बरदस्ती ओवर थिंक आएगा, दिमाग पे प्रेशर पड़ेगा, वही ऐसा लगेगा चार तरफ से कोई दिमाग दबा रहा है मशीन से, ऐसा कुछ नहीं समझ में आ रहा है मेरे को। लेकिन मेरा एक चीज़ क्लियर है, बंदा रहेगा वही, चाहे अब हम मैं मिलूँ या ना मिलूँ, मतलब मिले या ना मिले, बंदा रहेगा वही। अब तब कुछ भी हो जाए और नहीं माना या फिर कुछ हुआ, तो फिर मैं जब बड़ा यूट्यूबर बन जाऊंगा, जब मेरे पास बहुत सारे पैसे आ जाएंगे, तो एक बार मैं सीधा हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से सीधा बात करूंगा मैं, और फिर भी मैटर नहीं हैंडल हुआ तो फिर सीधा आई विल बी किडनैपर एंड अंतर मंतर कलाकार दिखा दे अपना चमत्कार, सीधा गायब कर दूंगा, फिर बस खत्म, अनदर ऑप्शन
नहीं दिख रहा है मेरे को यार, क्या करूँ मैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं। लेकिन एक चीज़ मेरी क्लियर है भाई, मेरी लाइफ की एक चीज़ क्लियर है कि ब्लॉग कभी नहीं बंद करूँगा, चाहे कितना भी ज़्यादा डिप्रेस हो जाओ, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, डेली ब्लॉग आएगा ही आएगा, एक मिनट का आएगा लेकिन आएगा डेली ब्लॉग। और मैं अभी कुछ नया नया सोच रहा हूँ, वो भी बताऊँगा कुछ टाइम बाद, थोड़ा मैं कन्फर्म हो जाऊँ। अभी ज़रा मैं थोड़ा बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हूँ, डिस्पर्जन में हूँ, अभी मैं कुछ बता नहीं सकता। ठीक है सर, अभी हम कुछ नहीं बता सकते हैं आपको, हम डिस्प्रेशन में अभी हैं। अभी कोची में हैं? डिस्प्रेशन में है सर अभी। हाँ, पर अच्छा लग रहा है। 18 जुलाई 2021 के बाद से मैं 10 दिसंबर 2023 को इतने करीब से दिखा, अच्छा लग रहा है। हे गाइस, तो अभी मैं यहीं पर हूँ, बट ना मैं आपको एक जाहिर सूचना देना चाहता हूँ, मतलब कि वो क्या बोलते हैं उसमें, अरे प्यार में कितनी ताकत होती है। मैं मेरे दोस्त के साथ वहाँ पर था। कहाँ पर? ये देखो, हम लोग वहाँ पर थे, वहाँ पर से हम लोग आग बीग लगाए, हम लोग करीबन ना इधर पे हमको हो गया, देखो कितना बज रहा है, 4:45 बजने को आए, हम लोग 3:30 बजे से हैं यहाँ पे। तो ना हम लोग वहाँ पर कितनी बार उठे बैठे उठे बैठे, अब देखो हम लोग यहाँ आके खड़े हो गए हैं। बट मैं आपको एक चीज़ दिखाऊँ क्या, वो दिख रहा है आपको कोने में, वो ना कपल है। और भाई हम इतने हैरान है ना, इतने हैरान है ना, वो लोग ना तब से वैसे ही बैठे हैं, वैसे के वैसे ही बैठे हैं ना, वो बंदा उठ के खड़ा हुआ है ना, बंदी उठ के खड़ी हुई है, उनका कमर उमर दर्द नहीं हो रहा है क्या? क्या मतलब कि इतने कितने लीन है यार बात करने में। हम लोग के टाइम तो अभी वो लोग ज़्यादा कितने एज के लग रहे होंगे, कौन सी क्लास के होंगे, 9वीं 10वीं होंगे वो लोग लगभग। हम लोग अभी यार इस टाइम तो पता नहीं क्या चल रहा है यार ज़िंदगी में, सही में लाइव इंस्टाग्राम पे नहीं, लाइव देख रहा हूँ, लाइव निब्बा निब्बी वाला, सब सत्यानाश है। 2000 years later. तो गाइस कर रहा हूँ आज का ब्लॉग वीडियो एंड, और टाइम हो रहा है 10:45। अगर ऑरेंज खाए, मैं खा रहा था ना, वैसे आपको ऑरेंज यानी संतरा खाने का एक अच्छा ट्रिक बताओगे, मे भी आपको पता होगा, नहीं पता होगा तो मैं बताता हूँ। संतरा को ना काटने का, बीच में से छोलने के बाद काटने का, उसके ऊपर नमक लगा के फिर खाने का, एक नंबर। भैया आप लोग को अच्छा ठीक है, समझे, आपको जो फ्रूट पसंद है वो कमेंट कर दे। अच्छा, जो पसंद है एप्पल ऑरेंज बनाना केला नम नम खाए, तो मतलब भाई बात बस कमेंट पे लगा देना जो। तो बस मैं आज का ब्लॉग वीडियो एंड कर रहा हूँ, बस बस वीडियो एंड कर रहा हूँ, बाकी मुझे ज्यादा कुछ नहीं बोलना है। मेरा कल का ब्लॉग देख के मुझे आदर्श, शुभम, प्रणय और मम्मी और भी कोई एक दो लोग थे, उनके मुझे मैसेज आए भाई, कमेंट आए। सबसे पहले तो आदर्श कॉल किया था, बाप रे, तो बोल रहा था भैया मेरे को बताओ क्या हुआ, भैया मेरे को बताओ, नहीं भैया आप बताओ, ऐसा ही सब बोल रहा था वो। तो भाई ऐसा मेरे साथ कुछ भी नहीं हुआ था, मैं बस कुछ बात लेके बस सोच रहा था बहुत ज़्यादा। बाकी मेरे यार दोस्त तेरे लिए, ये मेरे यार दोस्त, योर तुसी वॉन्ट जस्ट अ हिंट, बस एक सिंपल सा हिंट चाहिए यार, कोई भी एक्शन दे दे भाई, कोई भी एक्शन दे दे, कुछ भी एक्शन दे दे, एक सिंपल सा हिंट चाहिए, वो मिल जाएगा तो मैं समझूंगा कि अभी तक अभी मैं सेफ हूँ बस। क्योंकि देखो 9th में मैं सोचा कुछ नहीं था, 10th में मैं सोचा 9th में कुछ नहीं, 11th में नहीं था कुछ, 12th में कुछ नहीं, 13th में भी कुछ नहीं था, मैं बस सोचता हूँ, ओवर थिंक करता हूँ लेकिन रहता कुछ नहीं है, 14th में सोचा कुछ नहीं था, तो 15th भी है भाई, मुझे यकीन है पूरा नहीं है, बट फिर भी एक बार मुझे तसल्ली के लिए जस्ट गिव अ सिंपल हिंट, और तुम तो गोली मार दूंगा अभी, जिसका बोल दो, सिंपल हिंट दे दो, सिंपल करो, आगे मुझे आओ भूत पास ले जाओ, भूत पास मत लेके जाओ, बस बोल दो सिंपल हिंट दे दो, सिंपल हिंट दे दो यार। मैं आई विल वेट बस अगला व्लॉग आने तक का, नहीं आया हिंट तो आई विल अंडरस्टैंड, देयर इज नो होप, बस ये इंग्लिश इसलिए बोल रहा हूँ ताकि कम लोगों को समझ में आए, बस बाय। आज का व्लॉग वीडियो खत्म। लाइक कमेंट आया।
वाह बहुत अच्छी बात है, हंस दो भाई, बाय, जय श्री राम। नई वीडियो नहीं बोले, सिंपल हिंट, आई विल वेट अनदर व्लॉग तक का बस वेट करूंगा मैं, प्लीज जस्ट गिव मी सिंपल हिंट, एक हिंट बस, कोई भी एक्शन, एक हिंट बस, आई विल थिंक सेफ हूँ बस, जय श्री राम।